नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम जो 31 जुलाई थी उसको रिसेंटली बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया। तो नेचुरली बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट होगा और होना भी चाहिए सर, क्योंकि बहुत सारी TDS की रिटर्न्स फाइल होते होते, उसका डेटा फाइनल होते होते, जो आपकी रिटर्न फाइल करने में समय लगता है वो नेचुरली बहुत कम बचता है, जिसकी वजह से इस प्रकार के एक्सटेंशन की एक प्रैक्टिकल आवश्यकता भी थी। अब दो तीन छोटे छोटे इश्यूज जो इससे रिलेटेड निकल करके आते हैं, जिनका डिस्कशन हमें यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ में, कि इस टाइम लिमिट के एक्सटेंशन का प्रभाव क्या होगा या क्या बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो बेनिफिट तो हम सब समझ रहे हैं सर, जिन्होंने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरी उन्हें अब नई डेट 31 अगस्त मिल रही है, तो 31 अगस्त तक वो अपने रिटर्न को भर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है सर, जिन भी असेसीज की फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कोई कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम है और उनको वो कैपिटल गेन का री इन्वेस्टमेंट करना है फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54EC, 54F एक्सेट्रा, यानी री इन्वेस्टमेंट बेस एग्जम्पशन लेनी है, तो वो जो समय सीमा उनके पास में 31 जुलाई तक की थी अब वो बढ़कर के 31 अगस्त हो गई, पहला। दूसरा, अगर पहले सिनारियो में हम 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरते तो हमारे को 1 अगस्त ऑनवर्ड्स 234A का ब्याज लगता, वो 234A का ब्याज अब सर 31 अगस्त के बाद में लगेगा, यानी 31 अगस्त तक भी रिटर्न भर देंगे तो हमारे को ब्याज नहीं देना। मैं इसका फायदा सर एक सीनियर सिटीजन के केस में भी ले सकता हूँ कि यदि कोई सीनियर सिटीजन असेसी जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है और वो 31 जुलाई तक रिटर्न भरने के लिए लाइबल था, तो उनको 31 जुलाई तक अपनी ITR भरनी थी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना था। अब वो 31 अगस्त तक भी यदि सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे देते हैं तो उनको उस परिस्थिति में भी कोई 234B का इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ के साथ यदि कैपिटल गेन में या बिजनेस प्रोफेशन में कोई व्यक्ति जिस पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है बिजनेस प्रोफेशन के केस में, वो अपनी रिटर्न 31 अगस्त तक भर देते हैं, तो ऐसी रिटर्न यदि लॉस की रिटर्न है तो उन्हें कैरी फॉरवर्ड का एंटाइटलमेंट मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के ये टाइम लिमिट बढ़ने से हमें एक रीइन्वेस्टमेंट की टाइम लिमिट कैपिटल गेन में वापस से मिल रही है, दूसरा हमें 234A का 1 महीने का ब्याज बच रहा है, कुछ फायदा सीनियर सिटीजन्स को भी होगा, और साथ के साथ में अगर लॉस की रिटर्न बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में या कैपिटल गेन में है और आपने अब 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक भी रिटर्न भरी तो भी आपका कैरी फॉरवर्ड का एंटाइटलमेंट बना रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं सर जो सीधे तौर पर हमारे को बेनिफिट दिलाएंगी इस ड्यू डेट की टाइम लिमिट के एक्सटेंशन का। और नेचुरली सर इसके साथ साथ सेक्शन 234F में जो 5,000, 1,000, 10,000 की फीस थी जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, उसकी भी बचत हमारे को निश्चित रूप से अगले 1 महीने तक के लिए हो चुकी है। तो धन्यवाद सर, यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आई विल बी हैप्पीली रिजॉल्विंग इट। थैंक यू वेरी मच।